क्या हाल चाल है दोस्तों। तो दोस्तों, जिस तरीके से मूवी में करण और अर्जुन वापस आ गए थे ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे, उसी तरीके से अब इंडिया में पबजी मोबाइल एंड पबजी मोबाइल लाइट वापस आने वाले हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच बात है। तो इंडिया में पबजी बैन को लेकर पबजी कॉरपोरेशन भी बहुत परेशान था, तो इसी को लेकर मंडे के दिन पबजी कॉरपोरेशन ने ये बात कही है कि पबजी कॉरपोरेशन अब से टेक ओवर करेगा पबजी मोबाइल पे एंड टेंसेंट का नाम अब पबजी मोबाइल से हट जाएगा। मतलब इंडिया के लिए पबजी कॉरपोरेशन टेंसेंट से अपनी डील तोड़ देगा एंड पबजी के पब्लिशिंग की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पबजी कॉरपोरेशन लेने वाला है। मतलब टेंसेंट का कोई लेना देना नहीं रहेगा इंडिया में पबजी मोबाइल से। और यही सेम चीज करी है कॉल ऑफ ड्यूटी ने। जैसे ही पबजी बैन हुआ था तो कॉल ऑफ ड्यूटी ने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टेंसेंट से हटा लिया था एंड अब आप कॉल ऑफ ड्यूटी जब ओपन करते हो तो आपको वहां पर टीमी स्टूडियो या टेंसेंट ये कोई लोगो देखने को नहीं मिलता है। वहां पर आपको एक्टिविजन का लोगो देखने को मिलता है जो कि कॉल ऑफ ड्यूटी का मेन पब्लिशर है। तो लगभग सेम वही चीज अब पबजी मोबाइल के साथ होने वाली है कि पबजी गेम का जो मेन पब्लिशर है वो है पबजी कॉरपोरेशन एंड वही इसका मोबाइल ऐप डेवलप करने वाले हैं अब इंडिया के लिए। तो जैसे ही अब आप पबजी खोलोगे तो आपको वहां पर पबजी कॉरपोरेशन दिखेगा। तो पबजी अगर ऐसा करता है जो कि करेगा ही, तो अब उसके ऊपर से बैन के सारे साए हट जाएंगे एंड फ्यूचर में भी यार उसके ऊपर बैन लगने के कोई चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि इंडिया में पबजी क्यों बैन है? टेंसेंट के कारण। अब टेंसेंट ही हट जाएगा पबजी मोबाइल में से, तो देर इज नो वे कि पबजी कभी बैन हो। जब तक पबजी खुद से कोई गलती ना करे वो तो होने नहीं वाला। तो दोस्तों, एक तरीके से देखें तो बहुत बढ़िया भी लगता है कि इंडिया अगर किसी चीज पे बैन लगा देता है तो उसका वर्ल्ड वाइड कितना इफेक्ट पड़ता है एंड सीधा इफेक्ट पड़ रहा है उसका चाइना के ऊपर। तो सोचिए, दुनिया की दो बड़ी गेमिंग कंपनीज जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी एंड पबजी, इन दोनों ने ही टेंसेंट से अपना नाता तोड़ दिया है। मतलब इंडिया के एक बैन लगाने से टेंसेंट का क्या हाल हो गया? तो सोचिए, अगर हम इंडियंस चाहें तो किसी का भी दिमाग ठिकाने लगा सकते हैं, चाहे वो फिर कितनी बड़ी कंट्री क्यों ना हो और कितनी बड़ी टेंसेंट जैसी मिलियन डॉलर कंपनी क्यों ना हो। तो आई एम श्योर कि यार ये न्यूज़ सुनकर इंडिया के जो गेमर्स हैं, जो स्ट्रीमर्स हैं, जो पबजी के लवर्स हैं, उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है कि अब कुछ दिनों के अंदर ही पबजी मोबाइल इंडिया में वापस इंटर कर सकता है एंड आई डोंट थिंक कि अब इंडियन गवर्नमेंट को इससे कोई भी एतराज होगा, क्योंकि इफ देर इज नो टेंसेंट देर इज नो टेंशन एंड देर इज नो बैन। तो यार ये एक बहुत ही प्राउड वाली बात है कि इंडिया का वर्ल्ड में कितना बड़ा इम्पैक्ट है कि अगर इंडिया किसी चीज़ पर बैन लगा देता है तो सारी ही कंट्री के, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के दिमाग ठिकाने में आ जाते हैं। तो अगर हम इंडियंस चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि यार पबजी भी नहीं चाहता कि इंडिया का इतना बड़ा जो यूज़र बेस है मिलियंस लोगों का वो ऐसे ही वेस्ट चला जाए एक किसी कंपनी के कारण। तो इसमें पबजी का कोई भी घाटा नहीं है, इसमें जो भी घाटा है वो टेंसेंट का है। तो यार यही थे इस वाले वीडियो के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड यार वीडियो को शेयर कर दो। जितने भी आपके पबजी वाले दोस्त हैं उन्हें वीडियो भेज दो, उन्हें बता दो कि पबजी वापस आने वाला है। तो अब जब पबजी वापस आ जाएगा तो फिर मिलते हैं। तो टेंशन लेना छोड़िए, चिल करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। बाय बाय।